बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया अंजना जी, लेकिन अंजना जी पिछले 4 साल की अपनी डिबेट निकलवा के देख लीजिए। डिबेट निकलवा के देखेंगे तो आपकी डिबेट 90% हिंदू मुस्लिम टॉपिक पे डिबेट निकलेगी। जय शाह। 16,000 गुनी आमदनी बढ़ती है अमित शाह जी के बेटे की, और भारतीय जनता पार्टी कहती है ये आमदनी जो बढ़ती है, ये जितनी भी हमारी क्या नाम उसका इसकी बैलेंस शीट है, इसमें कहीं को धोखा नहीं है, क्योंकि सीबीआई भी आपकी जो है ना पिंजरे में जी बंद तोते की जगह पंख कटे तोते की तरह से काम कर रही है। जी लास्ट सेंटेंस में कहना चाहिए, अभी अभी देखिए, नीरव मोदी फ्लाइट मोड पे आते हैं और बाहर चले जाते हैं, विजय माल्या फ्लाइट मोड पे आते हैं बाहर चले जाते हैं, बड़े मोदी जी ने छोटे मोदी जी को भगा दिया और बड़े मोदी जी शांत चौकीदार की हैसियत से बैठे हैं। स्पष्ट रूप से यदि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो मैं सिर मुंह डालूंगा अपना। बुलाया आपने, रेजर लेके आया हूँ, ये रेजर लेके आया हूँ, ले लीजिए रेजर, मुंड लीजिए वाला पूरा। आदमी को अपने वादे में पूरा करा और उतरना चाहिए। गौरव भाटी जी ने कहा था महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा, ये रेजर है, और तुम नहीं मुंडवा पाओ तो मैं मुंड दूं, तुम नहीं मुंडवा पाओ तो मैं मुंड दूं। देखिए अंजना जी, मेरे हाथ में 2 हवाई जहाज हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक ही वेट के हैं, दोनों एक ही तरह के हैं। एक तो है ये चौकीदार का राफेल और एक है कांग्रेस पार्टी का राफेल। कांग्रेस पार्टी का जो राफेल है वो 526 करोड़ रुपए का है, और इसकी निश्चित रूप से जो बनाने की बात थी या आने के बाद जो काम करना था वो HAL को करना था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। आप समझती है ना, जो पंडित नेहरू ने लगाई थी, शायद हो सकता है चौकीदार जो है पंडित नेहरू इतना चिढ़ते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी खत्म करना चाहते हो। एक ये हवाई जहाज है जो चौकीदार लाए, वो 1670 करोड़ रुपए का है, हमारा वाला हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था। और ये चौकीदार जो है ना, देखिए किसको देते हैं, नाम लिखा है अनिल अंबानी को, अनिल अंबानी को आप जाकर के सारे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो 12 दिन पहले बनी थी। चौकीदार जब भागीदार बनता है तो प्राइसिंग बढ़ती है और 41,000 करोड़ रुपए देश के खजाने से जाकर के खत्म हो जाते हैं। कहिए तो मैं हवाई जहाज उड़ा के दिखाऊं, अब भारतीय जनता पार्टी के तोते हवाई जहाज उड़े हुए हैं, स्पष्ट कहता हूं, अब हवाई जहाज भारतीय जनता पार्टी का बैठ रहा है, ऐसे कांग्रेस का हवाई जहाज उड़ेगा ऐसे। सुधांशु जी, ऐसे 1974 में माय डियर फ्रेंड सबसे पहले पोखरण विस्फोट हुआ, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसरो की नींव किसने रखी थी, जिसको मंगलयान की आप बात कर रहे हैं, पंडित नेहरू ने रखी थी, और पंडित नेहरू का विजन था जिसकी वजह से आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से मंगलयान करने का काम किया, और मनमोहन सिंह के टाइम पे शुरू हुआ, मनमोहन सिंह के टाइम पे शुरू हुआ और जाके प्रधानमंत्री हुआ थे, समापन पे ऐसे ताली पीट दिया है, और उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बढ़िया काम किया। हो सकता है वो जो गैस आप नाले से निकाल रहे हैं उससे आप मंगलयान करा दें, ये आपकी नई खोज होगी। रक्षा मंत्री जब 2017 में कहती है मैं प्राइसिंग बताऊंगी, लेकिन आज उनके सामने कौन सी मजबूरी है, क्यों उनका जो मुंह है फिक्स से बंद हो गया है, कौन सी हो सकती है जो रक्षा मंत्री को रोकने का काम कर रही है जो प्राइस नहीं बता पा रही। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादरचोद के बच्चे।